नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख ही सकते हैं किस प्रकार संगम तटों पर उपस्थित हुए हैं श्रद्धालु। जी हाँ, ये कुंभ स्नान है और कुंभ मेला में हजारों की लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं भगवान का आराधना करने के लिए, माँ गंगा से दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं कुंभ के यह बृहद क्षेत्र में फैला हुआ स्थान और उसमें जो श्रद्धालु पानी में घुस करके किस प्रकार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं आप देख ही सकते हैं। भीड़ से ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितना प्रसिद्ध है यह गंगा स्नान मेला। जी हाँ, आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या, कुछ श्रद्धालु यहाँ, कुछ श्रद्धालु वहाँ, अत्र तत्र सभी जगह श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आएंगे। ये सभी श्रद्धालु माँ गंगा से दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। यही सभी श्रद्धालु प्रत्येक बार अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, किसी भी शुभ अवसर पर आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, और यही सब श्रद्धालु कल्पवास भी करते हैं। आप देख ही सकते हैं किस प्रकार श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। संगम तट के किनारे भी बहुत श्रद्धालु खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार भगवान की आराधना किया जा रहा है, जल का अर्घ दिया जा रहा है श्रद्धालुओं के द्वारा, और श्रद्धालु चहलकदमी भी कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रंग बिरंगे बल्ब और उसका नज़ारा भी आप देख ही सकते हैं। और यहाँ देखिए श्रद्धालु दान पुण्य कर रहे हैं, जो पंडित लोग होते हैं उसे दक्षिणा देकर दान पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि दान पुण्य करने से मन की शांति मिलती है और यश की प्राप्ति होती है गंगा स्नान करने के बाद। इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं सभी श्रद्धालुओं को दान पुण्य कर रहे हैं। दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा कहा गया है, और ख़ास करके गंगा स्नान करने के बाद दान पुण्य करने से मनोकामना भी पूर्ण होती है। ऐसा आप देख ही सकते हैं किस प्रकार श्रद्धालु कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। बहुत से श्रद्धालु आते हैं संगम तट पर स्नान करने के लिए। आप देख ही सकते हैं ये सभी श्रद्धालु स्नान करने के बाद सभी उसको पूज रहे हैं, जो गंगा का तट होता है उसको पूजा किया जा रहा है पुष्प से, धूप से, अगरबत्ती से। इसी प्रकार का माहौल यहाँ प्रत्येक दिन आपको देखने को मिलेगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।